जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दबा दो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखण और सुनण आले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा राज्य में मानसून 26 जून को सक्रिय हुआ, परंतु जुलाई में राज्य में सामान्य बारिश 156.8 मिलीमीटर से 6% ज़्यादा 166.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें 11 और 12 जुलाई, 20 से 21 जुलाई व 28 से 29 जुलाई को राज्य में ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। अगस्त मास में राज्य में सामान्य बारिश 159.5 मिलीमीटर से 13% कम बारिश 138 मिलीमीटर दर्ज की गई, जिसमें से अच्छी बारिश 10 से 12 अगस्त तथा 18 से 20 अगस्त को राज्य के ज़्यादातर क्षेत्रों में दर्ज की गई, परंतु सितंबर में बारिश सामान्य से भी कम बारिश दर्ज की गई। पूरे मानसून पीरियड यानी 1 जून से 29 सितंबर में भारत मौसम विभाग में दर्ज आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य में सामान्य से 15% कम बारिश दर्ज हुई है। इस दौरान राज्य में सामान्य बारिश 443.1 मिलीमीटर की जगह 377.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मानसून की असमान बारिश होने के कारण राज्य के 15 जिलों में सामान्य से भी कम दर्ज हुई। इनमें मुख्य पंचकूला -65%, रोहतक -57%, भिवानी -43%, महेंद्रगढ़ -37%, अम्बाड़ा -35%, जींद -29%, रेवाड़ी -26%, पलवल -25%, पानीपत -22%, हिसार -19%, यमुनानगर -17%, सोनीपत -11%, मेवात -9%, झज्जर -3%, फरीदाबाद -2% तथा राज्य के बाकी जिलों में सामान्य या अधिक वर्षा आंकी गई है। मानसून की वापसी कल 28 सितंबर को सामान्य तिथि 17 सितंबर से 11 दिन बाद पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो गई है, जो अगले 2-3 दिनों में हरियाणा राज्य से इसकी वापसी सुनिश्चित हो जाने की संभावना है। मानसून की वापसी की संभावना को देखते हुए तथा जम्मू कश्मीर पर एक कमज़ोर पश्चिम विभोक्स के आशंक प्रभाव के कारण राज्य में 4 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं उत्तर पश्चिमी चलने तथा बीच बीच में आशंक बादल आने की संभावना भी है, जिससे राज्य में दिन व रात्रि तापमान में हल्की गिरावट संभावित है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।